अकेली हो जाऊंगी दादी, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है दादी, आप नहीं जा सकती दादी, मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी दादी, आपने मेरे बारे में नहीं सोचा ना दादी, नहीं सोचा, आप सुनती क्यों रही है दादी, मेरा क्या होगा दादी? कहाँ जा रहे हो बेटा? अजान का वक्त हो रहा है, वही तो खाने का टाइम हो, चलो आओ अंदर आओ। वक्त हो गया है, हॉस्टल रखो बेटा। दादी को जाने नहीं दूंगी, शाहजान संभालो इसे। चलो भाई। कलमा शहादत। प्लीज, ये वक्त इन बातों का नहीं है। मेरा साया अपने खानदान की किसी औरत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो मर ही क्यों ना गई हो। दूर दादी, दादी मुझे वसीयत करके गई है कि तुम्हारा ख्याल रखना। बेपरवाह तो मैं कभी नहीं था, सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ये वो सजा है जो मैंने पूरी जिंदगी के लिए अपने लिए खुद चुनी है, और दादी उसको स्टैंप कर गई। हालांकि तुम्हें पता है, रूमी सही कहती थी यार, दादी सिर्फ आला की थी। सिर्फ अलग ही थी, आई एम सॉरी, मुझे उसने बताया कि ये हाला का रूम है। हाला का रूम? आइए प्लीज। आपकी शादी की पिक्चर, नाइस कपल। आओ प्लीज। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, एक्चुअली ग्रैंडमा के रूम में मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहाँ आ गई, बट इट्स ओके, मैं वहीं जाके सो जाऊंगी। नो 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 प्लीज, आइए।
आप अपनी बहन के साथ हो, मैं नीचे हूँ। वैसे मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान में मेरी कोई बहन भी है। नहीं पता, डैड ने कभी जिक्र ही नहीं किया। शायद मॉम को पता हो, बल्कि मूसा को जरूर पता होगा, उसे ना हर बात पता होती है। मूसा? यस, यंगर ब्रदर, भाई मेरा। भाई? हाँ, मूसा और अब्राहम दो भाई हैं मेरे, तुम्हारे भी दो भाई हैं। सो जाओ तुम, सुबह सोए में जल्दी उठ। सोए? व्हाट्स दैट? जो लोग फौत हो जाते हैं उनके लिए दुआ करते हैं। ठीक हो हला? आग के बीच में बैठा हुआ इंसान कैसे ठीक हो सकता? तो तुम हमजा को बताती ना कि क्या बताती है? कभी खोलता हुआ पानी देखा है? उसका लहू भी खोलते हुए पानी की तरह है। आतिश विशा के दहाने पर बैठी हुई दिन तो मेरी माँ ने मुझे रोक लिया था। हाँ, हमजा, क्या क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? छोड़ो। तुम इसकी साइड ले रही हो? नहीं हमजा, चलो उठो, निकलो इस घर से। आइंदा तुम मुझे इस घर में तो क्या, इस गली में भी नजर मत आना, समझे? भाभी क्या हो गया, तुम पागल हो गई हो? जानती नहीं हो कौन है? खुर्रम है, होने वाला दामाद है इसका। कल से चल रहा है तमाशा, क्या ये बीवी और क्या ये बेटा, आज इसने छुरी उठा ली थी खुर्रम पर। छुरी? किसने, किसने छुरी, कैसे? कब हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला। लेकिन हाँ भाई, गैरतमंद मर्द ऐसे ही करते हैं। शाहजान, प्लीज। हाजमी, तुम क्या समझते हो, तुम्हारे रोकने से मैं रुक जाऊंगी? नहीं हमसे नहीं। हाँ बोलो, तुम बताओगे या मैं बताऊं? प्लीज ये सब मत कीजिए, इसी में हम सबकी भलाई है। प्लीज प्लीज, मैं अपनी जिंदगी का और तमाशा नहीं बनाना चाहता। और रही बात तुम्हारी, ना तुम्हारा कभी इस घर से ताल्लुक था, ना कभी रहेगा। निकलो इस घर से। हमजा, ये क्या तरीका है बात करने का? पहले कम तो दे चुके हो तुम। समीर प्लीज, तुम्हारा खुर्रम से कोई ताल्लुक नहीं है, जस्ट ट्रस्ट मी। और तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ अपने कमरे में। नहीं, ये कोई नहीं, यहाँ से नहीं जाएगी। अगर ये गई ना तो वैसे। प्लीज, उसकी हालत देखिए। अपनी इस हालत की ये खुद जिम्मेदार है। हमजा, ये क्या चल रहा है, क्या ताल्लुक है इस लड़के का? कोई ताल्लुक नहीं है बुआ। और तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? निकल जाओ इस घर से। तुम कौन होते हैं उसको यहाँ से निकालने वाले? चाची जान, प्लीज ट्रस्ट मी, ये लड़का समीन तो क्या, उसकी परछाई के काबिल भी नहीं है। आप प्लीज इसको कहें अभी निकले यहाँ से। बस करो। रहम करो मुझ पर, जो सांप निकालना है निकाल दो, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरा दिल। हमजा, खुदा के लिए कोई मुझे भी समझाएगा, आखिर यहां हो क्या रहा है? कौन सी गुत्ती सुलझाने की कोशिश कर रहे, और इस सब में हाला का क्या ताल्लुक है? डैड देखे, हाला रो रही है। चलो चलो बोलो,
जो फूफो के सामने को बोला था। बोलो शाबाश, अभी सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। बस तुम्हारी बेटी का मुंह नहीं खुल रहा अभी। देखिए मैं एक बार फिर पूछ रहा हूँ, इस सारे मामले से हाला का क्या ताल्लुक है? मैं अब समझ क्यों नहीं रही, ये मेरी बेइज्जती है। तुम्हारी जिल्लत तो ये है कि तुम इस जैसी औरत के साथ रह रहे हो। कैसी औरत? बदकिरदार औरत। भाभी जी, सारी बकवास सुनने क्यों खड़े हो गए? ये ताईजान और उनकी बहू का मसला है, खुद ही निपटाए। चले मियां अबू, पर हम आ भी चले। शफक की खाला का बेटा है खुरम, वही हुई हमारी मुलाकात। वो सब पहले की बातें थी, मैं सब कुछ भुलाकर समीन की जिंदगी में दाखिल हुआ था। समीन, निकलो यहां से, निकलो, चलो चलो चलो, बाहर, गेट आउट, आउट। कोई तो हो मेरा अपना, कोई तो सहारा हो, गम मेरे ठहर तो जाए, कोई किनारा हो। ठेस ऐसी दिल पे लगी, क्या गुनाह हर बार हारा था। मांगते हैं ये खुदा से प्यार ना दोबारा हो। ऐसा क्यों है? क्या होता है सब? ये लड़का घर आता रहा, मुलाकात करता रहा, और तुम जानती थी, तुमने किसी को खबर नहीं होने दी, मुझे भी नहीं। तो क्या करती मैं? ये इतनी उतावली हो रही थी, फोन पर उसकी मिन्नतें कर रही थी कि रिश्ता भेजो, मुझे ले जाओ यहाँ से। पूछ ले, सामने खड़ी है ना, पूछे अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो टोके मुझे, टोके। कुछ भी हो शाहजहां, मैं इस घर का बड़ा हूँ, अम्मा थी, उन्हें बता सकती थी। आप पता नहीं जानबूझ के अनजान बन रहे हैं, सब कुछ तो मालूम है आपको। ये मुकर जाती, ये कहती ताईजान झूठ बोल रही है, इल्ज़ाम लगा रही है, तो मैं सबूत कहाँ से लाती? इसलिए ना मैंने सोचा कि मैं पहले उस लड़के को घर बुलाऊँ, उसको देखूँ, अगर समझ में आए तो फिर ये सारी बात बताऊँ। लेकिन ना इस पर उसकी असलियत पहले ही खुल गई। वो साहब इनकी सहेली के मंगेतर थे, इनके साथ टाइम पास कर रहे थे, तो मैं भी चुप कर गई। लेकिन नहीं, अब आप खुद सोचें, खुद बताएं कि पूरे जहान को छोड़ के खुर्रम को एक समीन ही मिली थी इस दुनिया में? नहीं, ये हाला ने किया है, इसने फंसवाया है समीन को खुर्रम के साथ, ताकि खुर्रम का आना जाना लगा रहे इस घर में। मैं नहीं लाई थी उसे अपने पीछे लगा कर ताईजान, मैं ये बात नहीं मानूंगी। ऊंची आवाज, झूठ बोल रही है ये। तुम्हारी ये जुरत कि तुम मुझे आंखें दिखा रही हो? चलो चलो निकलो यहाँ। शाहजहां निकलो, शाहजहां निकलो मेरे घर से, लेकर जाओ अपनी बेटी को, तुम भी जाओ यहाँ से। एक टॉक बनाकर डाल दिया मेरे गले में, निकलो, नहीं रखेगा मेरा बेटा इसे। अम्मी ये कहीं नहीं जाएगी। और क्यों जाएगी? अब भी क्यों हमसा, अब भी अकेली नहीं है वो, बच्चा है मेरा उसके पास। ये मेरा पर्सनल मामला है और मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। गुड डिसीजन हमजा, ये फैसला तुम ही को करना चाहिए। वैसे भी हस्बैंड एंड वाइफ के मामले में ना कोई भी दूसरा शख्स आउटसाइडर होता है, और आउटसाइडर्स को उनकी लिमिट्स में रखना चाहिए। तुम मुझे आउटसाइडर कह रही हो? मैं तुम्हारा मम्मी। खबरदार, आपकी इतनी जुर्रत, मेरी आंखों के सामने अगर मेरे बच्चों पर आप हाथ उठा रही हैं, तो मेरी पीठ के पीछे आपने क्या किया होगा? अब हम यहां एक मिनट नहीं रहेंगे,
चलो मरियम। हाँ हाँ जाओ 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 यहाँ से, मगर अकेले नहीं जाओगे तुम, ये अपनी सौगात भी साथ लेकर जाओ। हाँ हम ले जाएंगे हाला को साथ। डैड हम हाला को साथ लेके जाएंगे। बोले डैड लेके जाएंगे ना, बताएं। हाँ हाँ पकड़ो पकड़ो बाप का हाथ, बहुत पुकारती थी ना, देख लो फाइनली आ गया है तुम्हारा बाप तुम्हें लेने। मैंने कहा ना हाला यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, बस। तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत जहर आ